उमरिया जिले के पाली नगर में संचालित निजी स्कूल द्वारा अवैध तरीके से पुस्तकें बेचकर पालकों से मोटी रकम वसूलने का मामला सामने आया है। वहीं इस मामले ने जब तूल पकड़ा तो जिला शिक्षा विभाग ने जांच के लिए टीम गठित की। देखिए इस रिपोर्ट में। उमरिया जिले के पाली में संचालित निजी स्कूल के संचालक द्वारा उनके स्कूल में पढ़ रहे सभी बच्चों को लीड ऐप पुस्तक के नाम से जमकर लूटा जा रहा है। इस ऐप की पुस्तक खुद ही प्रबंधन के द्वारा मनमाने रेट में बिक्री की जा रही है, जिसका मूल्य 3200 से लेकर 5000 तक गार्जियंस के द्वारा बताया गया है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि यह मूल्य मात्र 3 से 4 पुस्तकों का है। अब सोचने की बात है कि आखिर इतनी महंगी पुस्तकों में ऐसा क्या है जिससे नर्सरी, फर्स्ट एवं थर्ड के बच्चों को लाभ होगा, जिसे लेकर बच्चों के परिजनों और बुद्धिजीवियों ने हंगामा कर दिया। लेकिन अभी प्रिंसिपल साहब अपनी मनमानी तौर पर किसी बॉम्बे की संस्था द्वारा टाई अप करके उसको पाली में बुलाकर उसकी किताब लाकर यहाँ पास 5000, 7000, 8000 रुपये में पर स्टूडेंट के हिसाब से किताब बेची जा रही है। हम लोगों को इसकी जानकारी लगी, हम लोग इसकी जानकारी लेने के लिए प्रिंसिपल साहब पास आए कि साहब ये कौन सी किताब आप बेच रहे हो, तो उनके द्वारा किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी गई। हमने अभी केवल स्कूल के प्रचार से आकर शांतिपूर्ण तरीके से बात करना चाहा, शांतिपूर्ण तरीके से हमने उनसे पूछा कि सर ये किस कह किताब आप बेच रहे हो, लेकिन उनके जो विक्रेता हैं उनके द्वारा हम लोगों के साथ बदतमीजी की गई। उन्होंने बोला कि आप कोई किताब लेना पड़ेगा, आप नहीं लोगे तो आपके बच्चों के साथ हमारा हम पढ़ाएंगे नहीं, ऐसा करके हम अभिभावकों के साथ गलत व्यवहार किया गया, TC कटवा लीजिए नहीं पढ़ाना है तो। इस तरह का जब उन्होंने व्यवहार किया तब हमने कहा हमको प्रिंसिपल साहब से बात कराइए, तो प्रिंसिपल साहब से हमने बात किया तो वो भी सही जवाब नहीं दे पाए। जब इस मामले ने तूल पकड़ा तो इस मामले की जांच करने के लिए जिले से गठित टीम ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राणा प्रताप सिंह, BRC महेंद्र मिश्रा और उनकी टीम ने विद्यालय परिसर पहुंचकर पुस्तकों की जांच की। हालांकि अधिकारियों को पुस्तक बेचने का प्रमाण नहीं मिला, लेकिन इस बात पर सहमति बनी कि स्कूल प्रबंधक सभी पालकों को पुस्तक के पैसे वापस करें। लेड स्कूल की ये कुछ किताबें आई थी जो कि काफ़ी कीमत में था, लेकिन अब बच्चों को पढ़ाना है इसके चलते हम लोग किसी तरह इसको खरीदे, और इसके अलावा अब NCERT का बुक भी खरीदना था तो हम लोग पर काफ़ी दबाव था, इसके चलते सभी लोगों ने विरोध किया। आज प्रिंसिपल साहब ने हम लोग को सब पुस्तक रिटर्न करके हम लोग को पैसा वापस कर दिए हैं। वहीं जांच अधिकारी ने कहा कि अगर पुस्तक बेचने का प्रमाण मिलता है तो स्कूल की मान्यता निलंबित करने के लिए पत्र लिखा जाएगा। सारा का सारा जितना पैराफर्नेलिया है सब जांच में आ जाएगा, और उसके आधार पर मैं DO से मैं भी खुद भी बात करूंगा, उमेश जी से मैं बात करके रेकमेंड करूंगा, कलेक्टर साहब के संज्ञान में भी डालूंगा। एवरीबडी वॉज टॉकिंग सेंस, तो फिर मैंने एक यहाँ पे एक रूपरेखा निर्धारित कर दी कि प्रिंसिपल राणा एंड हिज स्टाफ, नॉट द स्टाफ ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का स्टाफ नहीं, प्रिंसिपल जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट है और हमारा जो सरकारी अमला जांच करने आया है और उनका स्टाफ, और बाहर उनके पेरेंट्स जो शिकायत करता हैं उनको बाहर बैठने की, हमारे मीडिया के साथियों को बाहर बैठने की व्यवस्था वो कराएंगे, और पूरी ट्रांसपेरेंसी से जांच होगी, हर आदमी का लिखित बयान नोट किया जाएगा और उस बयान की एक कॉपी उस व्यक्ति को भी दी जाएगी, और उसके आधार पर फिर ये रिकॉर्ड में चेक करेंगे, इनके अभिलेख से चेक करेंगे, तब फिर किसी भी पेरेंट्स की आवश्यकता यहाँ पर नहीं होगी, क्योंकि ऑफिशियल रूप से अगर उनका ऑफिशियल रिकॉर्ड वो चेक करेंगे और रिकॉर्ड की फोटो कॉपीज हमको अवेलेबल कराएंगे, और रिकॉर्ड जो बोलेगा और इनका कथन जो बोलेगा इसके आधार पर ये परीक्षण करके जांच रिपोर्ट देंगे। कुछ अभिभावकों के द्वारा सेंट जोसेफ स्कूल में लीड की पुस्तकों को लेकर आपत्ति दर्ज कराई गई थी, जिसके लिए जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा BO BRC को अधिकृत किया गया था जांच के लिए। सभी अभिभावकों के और शाला प्रबंधक के सहमति से सभी लीड के द्वारा ली गई पुस्तकों को वापस करने का निर्णय किया गया है, और भविष्य में किसी भी अभिभावक को उसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इस सहमति के साथ आज इस समस्या का समाधान किया गया। पुस्तकें बेचने का प्रमाणीकरण हमें नहीं मिला, क्योंकि जो भी इनके द्वारा जो भी हमें रसीद अभिभावकों ने दी उसमें कहीं भी सेंट जोसेफ स्कूल का नाम दर्ज नहीं था। ये बात वहाँ रखी गई, लेकिन जो OMU की बात हुई तो अभी तक हमारे पास दस्तावेज नहीं, दस्तावेज आने के बाद उसके स्कूल। कुल मिलाकर अब देखना होगा कि इस मामले में आगे प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, उमरिया।